हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। ये देखिए, मैं कुछ दिन पहले आंवले लेकर आई थी, लेकिन इन्हें फ्रिज में रखकर ही भूल गई, तो ये बिल्कुल बेकार जैसे लग रहे हैं एकदम। तो मैंने सोचा इनका क्या करूं, तो चलिए फिर इनकी एक नई रेसिपी बना लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने इनको धो लिया है, और अब धोने के बाद इनमें ऐसे कट लगा देंगे बीच बीच में। कट लगाने के बाद मैंने इनमें पानी डाल दिया है, और अब पानी डालकर इसे शाम तक के लिए ऐसे ही पानी में छोड़ देंगे। और आपके पास यदि घर में चूना है तो आप इस पानी में चूना डाल के चुटकी भर, और तब इसमें आंवला डालकर रख सकते हैं। अब शाम तक के लिए इसे पानी में छोड़ देते हैं। सुबह से रखे हुए इनको शाम हो चुकी है, अब इनको अच्छे से 3-4 बार धो लेंगे, ताकि जिसकी वजह से आंवला खाया नहीं जाता है ना, वो सब निकल जाए धोने से बाहर। मीडियम फ्लेम पर हम ये 1 ग्लास पानी ले लेंगे, और 1 कटोरी से कुछ कम चीनी इसमें डाल देंगे। अब आप समझ ही गए होंगे कि मैं क्या बनाने वाली हूँ। मैं बना रही हूँ आंवले का मुरब्बा। इसमें विटामिन सी बहुत अच्छे से होता है, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा खाना चाहिए। और ये सर्दियों के मौसम में ही कुछ टाइम के लिए मिलता है, फिर ये नहीं मिलता है। तो इसको ऐसे ही चलाते रहेंगे, और लगभग 1 घंटे तक ऐसे ही खदकाएंगे मीडियम फ्लेम पर। आधा घंटा हो गया है इन्हें बनते बनते, 1.5 घंटा हो गया है बनते बनते, और हमारा मुरब्बा रेडी है। देखिए, आंवले का कलर बिल्कुल चेंज हो गया है, और आंवला हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है, क्योंकि इसमें विटामिन सी होता है, और ये स्किन के लिए भी बहुत अच्छा होता है। तो डेली का एक आंवला खाना बहुत ज़रूरी होता है, और अच्छा भी होता है। तो अब सीज़न जाने वाला है, उसके बाद तो अब आंवले मिलेंगे नहीं, तो चलिए मुरब्बा ही बनाकर रख लेते हैं। देखिए, हमारा मुरब्बा रेडी है।